बारिश की वजह से लोगों पर आफत बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावई के कई गांव जलमग्न हैं। वहीं डीग जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार जुगिता मीणा, विकास अधिकारी आरती गुप्ता सहित पंचायत स्तरीय टीम ने ग्राम पंचायत सावई सहित कई गांव का मुआयना किया है। वहीं सरपंच गजाधर शर्मा ने जलभराव वाले स्थानों और यूपी बॉर्डर से आ रहे पानी की स्थिति और भरतपुर फीडर में जलभराव की स्थिति से अधिकारियों को अवगत करवाया है। दोपहिया इतने तो पानी भर रहा है कमर कमर, घर में जाके देखो सांप रोज के लिख रहा हमें, जीना हराम है रोज। पशुएं जो भी मतलब खड़े खड़े रह रहे, क्या ले जाए ना, ऐसा लकड़िया नहीं, ऊपर नहीं, गैस नहीं, लेके रहे कैसे, इधर से पानी में खड़े हैं हम। संत साहब आप कोई सुनवाई ना कर रहे हमारी। मैं कम से कम 15 दिन से लगातार प्रयास में हूँ और कलेक्टर महोदय श्रुति जी से भी बात की थी, उन्होंने यहाँ की रिपोर्ट मंगा ली, अब अमित जी से भी बात करी, अब कलेक्टर नए आए हैं उनसे मैंने कल अपनी समस्या रखी थी। बहुत ही गंभीर समस्या है, पहले से लोग बाग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन अब घरों में पानी घुसने से 10-15 घरों को हमने बाहर निकाल के उनके पशुओं और उनकी रक्षा की है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा कल निर्देश प्रदान किए गए थे कि खेड़ा सामय क्षेत्र का जल भराव का निरीक्षण किया जाए, तो उस निर्देशों की पालना में मेरे द्वारा विकास अधिकारी समस्त पंचायती राज की और राजस्व प्रशासन की टीम के साथ में ये मौका निरीक्षण किया गया है। सामई क्षेत्र में जल भराव की स्थिति है, कई घरों में पानी है, गलियों में पानी है, बरौली क्षेत्र के पूरा गांव में पानी भरा हुआ है, इसी तरह खेड़ा पूरा गांव डूबा हुआ है।